हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू किया था। याद कीजिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर में हम लोगों ने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की थी। लिखना बंद करेंगे, छोटा सा शॉर्ट रिवीजन, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बात हमने देखा था, आपको याद होगा, यहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस में जो लेन देन होते हैं हम उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर मैं इसके बाद अगले वर्ड पे गया था, आपके लिए गुड्स को समझाया था। गुड्स जो है वो अकाउंट्स में दो नाम से जाना जाता है, एक आपका नाम होता है परचेज अकाउंट और एक नाम होता है आपका सेल्स अकाउंट। याद है मैंने बताया था, अगर गुड्स को परचेज किया तो हम कहेंगे अकाउंट्स में परचेज अकाउंट और सेल किया तो सेल्स अकाउंट। हमने कहा था कि परचेज जो आपका होता है दो तरीके का, एक कैश पे होता है, एक क्रेडिट पे आपका होता है। उसी तरीके से सेल जो होता है वो भी एक कैश पे होगा और एक आपका क्रेडिट पे आपका होगा। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका जितना भी गुड्स परचेज किया उसमें से जो बिक गया फिर जो बचा हुआ आपके पास होगा, किसी भी टाइम पे हम उसको स्टॉक नाम दिए थे। स्टॉक को हमने इन्वेंट्री के नाम से भी कहा था कि हम जाने जाते हैं। और इस स्टॉक को समझाते हुए मैंने बताया था कि एक जनरली आपके लेवल में ओपनिंग स्टॉक यानी कि साल के स्टार्टिंग में एंड क्लोजिंग स्टॉक यानी कि साल के एंड में की बात की थी। हमने ये भी बताया था कि स्टॉक जो आपके होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं काइंड्स आपका। एक आपका रॉ मटेरियल, मैंने कार का एग्जाम्पल बताया था रॉ मटेरियल, एक आपका WIP वर्क इन प्रोग्रेस और एक आपका फिनिश गुड्स। ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी। मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद फिर बात क्या हुआ था जी, परचेज से एक नया वर्ड सिखाया था हमने परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न, जिस परचेज रिटर्न को हमने रिटर्न आउटवर्ड भी कहा था क्योंकि ये बाहर जाएगा। और सेल से एक नाम बना था सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी। हाँ, मैंने एक चीज और बताया था कि अगर सेल करते हो क्रेडिट पे तो जिन कस्टमर्स को हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे हम उनको डेटर्स कहते हैं, और डेटर्स से अगर हमने लिखित रिटर्न हमने एग्रीमेंट किया हो तो हम उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये वर्ड है अकाउंटिंग टर्म्स जो आपके अकाउंट्स में यूज किए जाएंगे। आज इस कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे बच्चे, और आगे बढ़ाएंगे। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, ये पिछले क्लास की बातें आपके पास हुई थी। ये सारी बातें आपके अकाउंट्स में यूज होंगी सभी जगह, तो इसलिए नाम पे हमारी मास्टरी हो ही जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि पिछली क्लास का आपने रिवीजन किया होगा, आप पढ़े होंगे, तो आज आई जरा अब हम उसके आगे की बात करते। देखो, जब हमने कहा था आपको, मैं यहां लिख दूं अलग से, कि जो हमने सेल किया था ये अभी आपको नहीं लिखना, सेल या तो कैश पे या फिर क्रेडिट पे किया था ना बच्चे हमने सर। हाँ, इसको हटा दिया, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं किया। अगर सेल क्रेडिट पे करेंगे तो जरा बताओ उन कस्टमर्स को हमने क्या नाम दिया था, सर डेटर आपने नाम दिया था, और डेटर से हमने क्या रिसीव किया था, बिल्स रिसीवेबल। हाँ बच्चे, इसके आगे का टॉपिक अब हमारा चलेगा, ध्यान देना। हमने 6 पॉइंट तक पिछली क्लास में किया था, 7th पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। लिखिए मेरे साथ 7th पॉइंट, आपका 7th पॉइंट यहाँ पे सुनो ध्यान से। जैसे सेल था ना बच्चे, उसी तरीके से आ जाओ परचेजेज के ऊपर में। आप देखो परचेजेज जो होता है, जरा बताओ परचेज का मतलब क्या। सर ये नाम तब यूज करते हैं जब परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स। पर बच्चे गुड्स को अगर मैं परचेज करूंगा ना तो परचेज, अभी अभी दिमाग में इफ और मत आने देना, मैंने आपको मना किया था, मैंने कहा था कि दिमाग बिल्कुल शांत कर लो, जितनी बातें मैं कर रहा हूं उतनी बातें आपको सुननी है। पर बच्चे अगर हमने गुड्स को परचेज किया तो ये परचेज आपका दो तरीके से होगा, या तो आपका कैश बेसिस पे या फिर आपका होगा क्रेडिट पे। डायग्राम मेरे साथ बनाना शुरू करेंगे आप क्रेडिट बेसिस पे, है ना बच्चे। जैसे सेल दो तरीके का होता है उस तरीके से ये भी होता है। देखो अभी ना हम कैश बेसिस के सेल की चर्चा नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन हम आपके साथ बाद में कर लेंगे, इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। अगर गुड्स को हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, मतलब लिख रहा हूं मैं यहां पे इफ गुड्स, लिखे यहां पे इफ गुड्स हैव बिन परचेज्ड, इफ गुड्स हैव बिन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर मान लो क्रेडिट पे हमने गुड्स को परचेज किया है, मेरे बच्चे अगर गुड्स हमने परचेज किया क्रेडिट पे, तो चलो बताओ जिनसे गुड्स को हम परचेज करते हैं वो हमारे कौन कहे जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, जरा बताओ अगर मैं इन मार्कर्स में डील कर रहा हूं तो जिनसे मैंने ये मार्कर परचेज किया होगा बेचने के लिए, जरा बताओ उनको हम क्या बोलते हैं। सर कहते हैं कि गुड्स जो उनसे परचेज किया उनको कहते हैं सर फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर्स मेरे बच्चे,
सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स का मतलब क्या, वो लोग जिनसे गुड्स हम परचेज करते ऑन क्रेडिट। सुना मेरी बात आपका, सप्लायर का मतलब क्या, जो हमें गुड सप्लाई करता है। जरा बताओ राशन वाला जो है, जरा सुनना, बात राशन वाले पे कर रहे थे सर, बार बार राशन वाले पे क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। आप बताओ राशन वाला जो है वो सामान जो लेता है क्या इस एक ही बंदे से लेता है? नहीं सर, नहीं, बहुत लोगों से लेता है सर। वो आपका एक जो आटा सप्लाई करता है उससे भी लेता है, जो पेप्सी सप्लाई करता है उससे भी लेता है, जो चॉकलेट सप्लाई करता है उससे भी लेता है, जो राइस सप्लाई करता है उससे भी लेता है सर, जो टूथब्रश सप्लाई करता है, मतलब सबसे लेता है सर, सबसे लेता है। क्या बोला आपने, जो सप्लाई करता है, जो मुझे सप्लाई करता है, ही इज कॉल्ड सप्लायर। वो सप्लायर्स होते हैं बच्चे, सप्लायर्स होते हैं। और जो सप्लायर्स होते हैं ना, सप्लायर्स जो होते हैं, इनको इनको हम अकाउंट्स में कहते हैं आपका, सप्लायर्स जो होते हैं कॉल्ड, हम इनको कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रेडिटर्स। जो ध्यान देना, जिनको हमने सेल किया था उनको हम क्या बोले थे, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स आपका। उसी तरीके से जो सप्लायर्स है ना बच्चे, उनको हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में बोलेंगे क्रेडिटर्स। साफ साफ लिख दूं क्या, देखो साफ साफ, क्रेडिटर्स, सी आर ई डी आई टी ओ आर एस, क्रेडिटर्स कहते हैं। एक बंदा होगा तो क्रेडिटर कह दूंगा, क्रेडिटर, बहुत लोग तो क्रेडिटर्स कह दूंगा, कई सप्लायर्स होते हैं हम इनको क्रेडिटर्स मान लो कह दिया आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिनको आप सप्लायर्स कहते थे सिंपल लैंग्वेज में, उनको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। और हाँ एक बात सुनो, मैंने पिछली क्लास में कहानी सुनाई थी, उस कहानी को दोबारा कहता हूं। ये देखो जरा आपका, ये मैं हूं, ये जरा बताओ ये स्माइलिंग फेस किसका है सर? स्माइलिंग फेस आपका है सर, आपका है, ये लीजिए स्माइलिंग फेस। जरा देखो ये मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दरवाजा भी है शॉप के अंदर में। और पता है ये जो सामान मेरे पास है ना बच्चे, ये सामान जो है ना, मैंने क्या किया, आपसे लिया है। आप मेरे मान लो कौन हो जी, सप्लायर हो आप मेरे, कौन हो, सप्लायर। तो सप्लायर जो है वो मैं अपने बुक्स में आपको क्या बोलूंगा, क्रेडिटर कहूंगा। सप्लायर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं, अकाउंट्स उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, जिसने जिससे हमने सामान क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है ना। अब देखो क्रेडिटर, तुमने लिख दिया क्रेडिटर यहां पे। जरा सोचो, जब आपने मुझे सामान सप्लाई किया था तो मैंने कहा था कि देखो जी क्रेडिटर भैया, मैं ये पैसा आज से दो महीने के बाद आपको पैसा पे कर दूंगा, मैंने कहा था। मैंने उस केस में जब आप मेरे पास दो महीने के बाद पैसा मांगने आए और मैंने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो फिर बताओ आपको उस क्या प्रूफ है? जैसे पिछले वाले केस में मेरा था, उसी तरीके से ये बात आपके साथ भी तो हो सकती है बच्चे, कि आपने क्या किया था, कि आपने मुझे गुड्स बेचा था जी। मतलब ऐसे लो, मैं कौन हूं, मैं एक बिजनेस हूं, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं मेरे बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, गुड्स आपसे परचेज किया, आप मेरे, मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिटर रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, कल को मैं अगर आपको पैसा पे करने से मना किया तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जैसे मैंने इनसे साइन कराया था ना बच्चे, वैसे ही आप क्या करोगे, मुझसे साइन कराओगे कि नहीं सर हमें आप पर विश्वास नहीं है। आप एक पेपर पर साइन करके दो कि आपने जो गुड्स हमें बेचा है, सॉरी, जो आपने गुड्स हमसे परचेज किया, इसका पेमेंट आप हमें बाद में कर दोगे। रिपीट कर रहा हूं, आपने मुझे कहा कि सर आप साइन करके दो कि इसका पेमेंट आप दो महीने के बाद कर दोगे। मेरे बच्चे मैंने क्या किया, ध्यान देना, आपने ये पेपर लिया और इस पेपर पर लिखा कि ये पेमेंट सर जो है इतने समय के बाद कर देंगे, और मैंने क्या किया, इस पे साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया। एक बात बताओ, इस कागज के अगेंस्ट, ध्यान से मेरी बात सुनना, और आपने लिए नहीं, मेरे लिए बात करना, मेरे लिए, बिजनेस के लिए, जरा बताओ इस कागज के अगेंस्ट मैं पैसा रिसीव करूंगा कि पे करूंगा, बोलो ना। अरे मैं जो हूं, मैं यानी कि बिजनेस, अब इस कागज के अगेंस्ट मुझे पैसा पे करना है कि रिसीव करना है? सर पे करना है, सर पे करना है, रिसीव नहीं करना। आपने, मतलब मैंने इनसे परचेज किया है, अगर मैंने परचेज किया तो मुझे पेमेंट करना था, तो मैंने जब कागज जो साइन किया मुझे उसके अगेंस्ट पे करना होगा ना बच्चे। सर हाँ, अगर मुझे इस कागज के अगेंस्ट पे करना है तो इसको हम कहते हैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। पर बच्चे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर जो क्रेडिटर्स हैं, इन क्रेडिटर्स को अगर मैंने कोई कागज साइन करके दिया है, रिटर्न एग्रीमेंट किया है कि भैया मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, तो क्रेडिटर्स किस नाम से कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं बीपी, बिल्स पेबल। आप चिंता नहीं करना, इससे पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चे, पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में जो मैं आगे कराऊंगा। फिलहाल इतना समझ लेना कि कोई पूछ दे आपसे ना, कोई पूछ दे कि जरा बताओ जी आपका ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है, तो दिमाग शांत करना और देखो ऐसी बात कहना, अगर बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव करना है तो मैं कहूंगा बिल्स रिसीवेबल है। अगर बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा पे करना है तो मैं क्या बोलूंगा, बिल्स पेबल है। पे करना है तो बिल्स पेबल, रिसीव करना है तो बिल्स रिसीवेबल। बात समझ में आ गई, तो ये याद रखना। मैं और ये सारी बातें एक बिजनेस यानी कि आप फर्म के लिए स्टडी करें, मेरे लिए आपका, कल को जब आप मान लो, जब आप मान लो आप अकाउंट्स पूरा कंप्लीट कर लोगे और कल को किसी कंपनी में काम करने गए तो कंपनी के लिए रिकॉर्ड करना ना बच्चे, कंपनी का अकाउंटिंग करना, कंपनी में क्या क्या लेन देन हो रहे हैं, तो कंपनी के लिए बिल्स पेबल का मतलब क्या है जी, कंपनी इसके अगेंस्ट पैसा पे करेगी। आई बात समझ में, बात समझ में आई सर? हाँ सर, वो जो आपने कहा ना कंपनी के लिए, वो ठीक से समझाओ, वो आगे समझाऊंगा आगे, अभी वो अभी चर्चा का विषय नहीं है बच्चे, अभी तो सिर्फ इतना समझ लो, आप इतना समझ लो कि मैं ही बिजनेस हूं और सारी बातें आप रिकॉर्ड या जो सीख रहे हो मेरे लिए सीख रहे हो, बस और कुछ नहीं। तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि अगर मैं किसी कागज के अगेंस्ट अगर पैसा रिसीव करूंगा तो बिल्स रिसीवेबल हो गया। वो क्या था आपका, डेटर से जो मैंने लिया था, क्योंकि इनसे पैसा लेना था। और जिनको पैसा मुझे देना है उनको कोई कागज मैंने साइन करके दिया तो फिर क्या बोलूंगा, बिल्स पेबल, उसको हम बिल्स पेबल कहेंगे। और हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब बात उठी ही है तो सेवेंथ में आओ जरा लिखो पॉइंट नंबर ए, मैं आपको क्रिएटर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्रिएटर्स होते क्या है, आइए जरा क्रिएटर्स के बारे में समझते क्या निकल के आते हैं। लिखिए जरा यहां पे आपका, लिखेंगे क्रिएटर इज अ पर्सन, एक ऐसा इंसान इज अ पर्सन, वो पर्सन को हमने क्या बोला था, सप्लायर, लिख दो ब्रैकेट में सप्लायर ब्रैकेट क्लोज्ड, कहता है फ्रॉम होम जिससे, फ्रॉम होम कहता है कि एन एंटरप्राइज, सर एंटरप्राइज का मतलब अभी फिलहाल फर्म है, लिख दो ब्रैकेट में फर्म मतलब मैं, क्रिएटर इज ए पर्सन और सप्लायर फ्रॉम होम, एन एंटरप्राइज परचेजेज गुड्स, या तो गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। पर बच्चे क्रेडिट पे जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। देखो अगर गुड्स को परचेज किया गया क्रेडिट पे तो हमको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, वही तो लिखा। और बी में लिखो जरा यहां पे बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, तो लिखना यहां पे जरा बिल्स पेबल means a bill of exchange, जो हमने बिल आपस में एक्सचेंज किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब आगे डिटेल में हम समझेंगे बच्चे आपका, एक्सेप्टेड बाय कितने एक्सेप्ट किया जी हमारे फॉर्म ने, मैंने, बाय फॉर्म टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। मेरे बच्चे एक पर्टिकुलर डेट पे जो अमाउंट पे करने का हमने कमिटमेंट किया है हम उसे क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। तो ध्यान रखना क्रिएटर्स जो आपके होते हैं जिनसे मैंने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट पे उनको हम क्रिएटर कहेंगे, और उनको अगर मैंने बिल साइन करके दिया है तो मैं उसको क्या कहूंगा, बिल्स पेबल कहूंगा। और हाँ जब बात उठी ही है तो लिखो ना सी, यहां पे एक और वर्ड आता है ट्रेड पेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल था ना बच्चे उसी तरीके से ट्रेड पेबल होगा, और इसमें आपने क्या करना है, क्रिएटर को और बिल्स पेबल को ऐड कर दो तो आपका बन जाएगा ट्रेड पेबल, ट्रेड में जो हमें अमाउंट पे करना है, जो पे करना है। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर, हाँ ये बात तो हमें सर समझ में आ गई। आपने कहा था कि अगर मैं गुड्स को बेचता हूं क्रेडिट पे तो कस्टमर को क्या बोलूंगा, डेटर। कस्टमर को क्या, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, गुड्स को बेचा तो मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट पे डेटर बोलूंगा, और डेटर से पेपर साइन कराया तो क्या बोलूंगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल के अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव करना है।
बात समझ में आ रही है सर? हाँ अच्छा, अगर मान लो मैंने ये क्रेडिट पे परचेज किया है, तो परचेज किससे करूंगा? सप्लायर से। उन सप्लायर को क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को अगर हमने पेपर साइन करके दिया है कि हाँ भैया मैं पे कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल आपका। तो ये बातें हमने आपको यहां पे बता दी, आप प्लीज यहां तक कॉपी कर लें। सर हो गया सर, ये तो हो गया सर, आगे बताओ। तो मैं काम करता हूं, अगर आप बात आगे पूछेंगे तो पहले इसको हटाता हूं, और आज ना थोड़ी और मैं गहराई में आपको लेकर आता हूं। मैं इससे हटाता हूं मेरे बच्चे, और मैं थोड़ी और गहराई में लेकर आता हूं। ये लीजिए, मैं इसको हटाता हूं। 7 पॉइंट हमने खत्म किया अभी तक आपका, कई सारे वर्ड पे हमने कमांड किया, और कमांड अभी होते चला जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। अभी तो बातें हम यूज करेंगे रूटीन में, अभी तो थोड़ा थोड़ा बस दिमाग में बैठा लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा लो, बाकी बातें हम देखेंगे। सुनिए मेरी बात, एक ऐसा वर्ड अकाउंट्स में है, बिलीव करो मेरी बात को, मानना कि मैंने देखा है कि जो बच्चे सीए सीएमए सीएस बीकॉम जो करते हैं, वो भी उस वर्ड को आज तक ठीक से समझ नहीं पाए। मैं नहीं चाहता कि आपका अकाउंट्स उनके अकाउंट्स जैसा हो, आपको तो स्टार्टिंग से वर्ड पे मास्टरी करना है। उसी प्रोसेस में लिखो जरा मेरे बच्चे, एक वर्ड है 8th नंबर में, लिखना एक्सपेंडिचर। आते हैं मेरे पास कई सारे सवाल, कई सारे बच्चों के, कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो नौबत आपको नहीं आने दूंगा। आपके पास कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप किसी को फोन करोगे और पूछोगे कि बताओ जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा आपके साथ नहीं होगा बच्चे, कसम से बोल रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं। बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो, 5 मिनट। देखो अगर मैं एक्सपेंडिचर को हिंदी वर्ड में आपको समझाऊं सिंपल शब्दों में, तो एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपली होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर खर्चा, पेमेंट करना, एक्सपेंडिचर करना नहीं होता बच्चे, खर्चा पेमेंट करना। तो अगर मेरे पॉकेट से जब भी पैसा, पॉकेट मेरे पास है नहीं ना, पॉकेट में पैसे, क्योंकि पापा मेरे पैसे देते नहीं है, सब छीन लेते, मेरे पास कुछ नहीं बचता, बताओ मैं क्या करूं। मैं कागज से ही आपको समझाता हूं, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं ना एक काम करता हूं, ये मैं बनाता हूं, आपको पता ये क्या है? अरे पता ये क्या है? नहीं सर ये क्या है, सच बता रहा हूं, ये खूब सारे पैसे मेरे पास, ये देखो ये पैसे, पैसा पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, इतने सारे पैसे मेरे पास हैं। सर ये पैसे थोड़े है बच्चे, अरे देखो ना मेरी नजर से, ये पैसे हैं, ये पैसे मेरे पॉकेट में दिख रहा है, पॉकेट नहीं सर, मान लो ना है, अरे मान लो पॉकेट भी है, पॉकेट में खूब सारे पैसे हैं। अब ये पैसा मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये मैं पैसा पे कर रहा हूं, लो जी पैसा लो, आप भी लो, ये पैसे चले गए, पैसे सबको मैंने पे कर दिया, पैसा चला गया। अगर मेरे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, हम कहेंगे वो एक्सपेंडिचर है। ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, बिजनेस से पैसा जाएगा तो बिजनेस से पैसे जाने को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर है। अब पता होता क्या है, ये जो एक्सपेंडिचर होता ना, बिजनेस से जो पैसा जाता है बच्चे, उस पैसे के जाने का जो रीजन है ना, रीजन पैसा क्यों बाहर जा रहा है जी, कोई पूछ दे क्यों पेमेंट किया, जरा बताओ क्यों पेमेंट किया, ये सब क्यों पैसे चले गए, तो इसका जो रीजन है बच्चे, उसको अकाउंटेंसी में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको बिल्कुल तैयार कर रहा हूं अच्छे लेवल के लिए। बिजनेस से जब भी पैसा जाएगा, तो बिजनेस से पैसा जाने का 2 ब्रॉड यानी कि मेन रीजन होते हैं मेरे बच्चे। वो आप मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, जो एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा जो आपके पास से बाहर जा रहा है, जो पैसा बाहर जा रहा है, लिख दूं मैं यहां पे क्या, पैसा ओहो कैसे लिखते हैं, पैसा बाहर जाना, कहां से, फ्रॉम बिजनेस से। फिर बच्चे बिजनेस से जो पैसा बाहर जाता है ना, उस पैसे के जाने को बिजनेस, मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो 2 बातें रिकॉर्ड करते हैं, या तो उसे कहते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर उसे कहते हैं कि सर वो जो पैसा जा रहा है उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिलीव करो ये 3 छोड़कर तीसरा कोई रीजन होता ही नहीं है।
पूरे अकाउंटेंसी में। आप अभी छोटे बच्चे हो, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, थोड़ा और बड़े हो जाना, और बड़े हो जाना, आपके दाढ़ी मूछ पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे, फिर और बड़े हो जाना, बुड्ढे हो जाओगे, उस समय तक भी बिजनेस में से जो भी पैसे बाहर जाएंगे उनका दो ही रीजन होता है बच्चे, दो ही पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आओ सिंपल शब्दों में सुनते हैं मेरे बच्चे। पता है क्या है, कोई भी ऐसा पेमेंट करो, ये जो हमने पेमेंट किया था ना, ये जो पैसे मेरे पास से गए थे, इनमें से मान लो इतने पैसे, इतने पेमेंट जो है ना, हमने क्या बोला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर ऐसा क्यों? एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो भी आप पेमेंट करो, जो भी आपने पेमेंट किया, अगर उस पेमेंट के बदले में आपने बेनिफिट अगर करंट ईयर में ले लिया है, रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आपने ऐसा पेमेंट किया, कोई ऐसा पेमेंट किया जिसके बदले में बेनिफिट अगर आपने करंट ईयर में ले लिया है, हम उसे कहते हैं वो रेवेन्यू पेमेंट, या कह दो क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुना मैंने क्या बोला, नहीं समझ आई बात ना? अरे हमने कहा वो सारे पेमेंट जो हमने किए और इसके बदले में जो मुझे बेनिफिट लेना था उस आदमी से, उस इंसान से, वो हमने इस साल ही ले लिया, वो हमारा रेवेन्यू पेमेंट होगा। सर कहना क्या चाहते हो, मैं आपको समझाता हूं स्लोली स्लोली, मेरी बात सुनना। अच्छा मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअली अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना बच्चे, रिकॉर्डिंग तो हम एक साल का करते हैं एक बार में। ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है, वो बात की बातें मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लो कि अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो एक साल में एक बार का होता है। मान लो आपका वो वर्ष 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2018 है, मान लो करंट ईयर आपका ये है, सुन लो समझा रहा हूं, मान लो करंट ईयर आपका ये है, लिख देता हूं मैं, आपको नहीं लिखना, ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो पता है क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूं, मैं कौन हूं जी, एक बिजनेसमैन, या मैं ना चलो मुझे आप टाटा मान लो, टाटा मान लो क्या जाता है कुछ समय के लिए, मैं टाटा हूं। मैंने क्या किया बच्चे, मेरे पास ना ये इंप्लॉय काम कर रहा है, ये इंप्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर ए, ये मेरे पास काम कर रहा है। मैंने क्या किया, इसको बोला कि भैया तुम्हारी जो सैलरी है ना, तुम्हारी जो सैलरी है वो 5000 पर मंथ है, 5000 रुपए पर मंथ है। मैंने कहा कि देखो तुम्हारी सैलरी 5000 रुपए पर मंथ है, तुम काम करो। पर बच्चे इस आदमी ने पूरे साल मेरे पास काम किया, पूरे साल काम किया, तो 5000 के हिसाब से 12 मंथ्स में जरा बताओ मैंने कितना पे किया, 60000। मैंने 60000 कैश इसको पे कर दिया, 60 किया होगा ना, अरे इंप्लॉय मेरा काम कर रहा है, 5000 पर मंथ की सैलरी है, एक साल में अगर मान लो उसने 12 मंथ्स काम किया तो 60000 हमने पे किया, किया ना बच्चे। सर हाँ आप बताओ ये जो 60000 मैंने इस इंप्लॉय को जो पे किया, 60000, आप बताओ इसके बदले में इस इंप्लॉय से करंट ईयर में बेनिफिट ले चुका हूं क्या, बेनिफिट ले चुका हूं क्या? सर हाँ आप काम ले चुके हो, आप काम ले चुके हो। मेरे बच्चे अगर मान लो मैंने कोई पेमेंट किया है, अगर कोई पेमेंट किया, ये 60000 की बात कर रहा हूं, और अगर इसके बदले में बेनिफिट मैं करंट ईयर में ले चुका हूं, करंट ईयर में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। फिर सर ये क्या होता है, बात की बात है, पहले यहां समझो, इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे कोई भी ऐसा पेमेंट किया, अगर उस पेमेंट के बदले में बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, अगर मैं बेनिफिट ले चुका हूं, अगर मैं बेनिफिट ले चुका हूं, कौन सी ईयर में, करंट ईयर में, तो हम क्या बोलेंगे उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर और बताओ, और बताओ, बताता हूं ना, ये देखो, अरे ये देखो, ये पता है क्या बच्चे, ये वो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में मैं, यानी कि टाटा कंपनी काम कर रही है, और इस बिल्डिंग का जो रेंट है ना बच्चे, रेंट वो मान लो आपका 10000 पर मंथ है, तो जरा बताओ 10000 के हिसाब से एक साल का रेंट कितना हो गया, सर 1,20,000। टाटा कंपनी ने क्या किया, बिल्डिंग का रेंट 120 पे कर दिया, पे कर दिया, मुझे बताओ 120 पे कर दिया, ये देखो पैसा चला गया मेरे पास से, पैसा चला गया, मैं टाटा कंपनी हूं, पैसा चला गया, पे कर दिया ना मैंने, अरे पे कर दिया ना, सर हाँ सर हमने पे कर दिया, पैसा चला गया। आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जो मैंने इस बिल्डिंग का रेंट पे किया, क्या इस बिल्डिंग का बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ले लिया क्या, क्या करंट ईयर में ले लिया क्या? सर हाँ आपने बेनिफिट ले लिया। मेरे बच्चे ये रेवेन्यू पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अरे कोई भी ऐसा पेमेंट करूं जिसका बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ले लिया है, हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सुनना मेरी बात, मैं आपको इंडेक्स कॉन्सेप्ट में इस क्लास में लेकर आ रहा हूं, आपको मजा आएगा, बस मेरी बात सुनते चलो। और सर बताओ, और सर बताओ, चलो और बताता हूं। पता है मैंने एक लोन लिया था, मान लो 50 लाख का लोन लिया था, 50 लाख पे। अब तो जब लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है ना सर? हाँ सर, हाँ इंटरेस्ट पे करना होता है। मैंने इंटरेस्ट मान लो 10% के हिसाब से इस पे 5 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया, कितने रुपए चले गए? 5 लाख रुपए पे कर दिया बच्चे, पे कर दिया। लो मेरे पास से पेमेंट हो गया, पेमेंट आपका। मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट पे किया वो हमने करंट ईयर का पे किया क्या? सर हाँ सर, करंट ईयर का पे किया। मेरे बच्चे ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो कोई भी एक्सपेंस, वो कोई भी पेमेंट जो मैं कर चुका हूं, और अगर उसके बदले में बेनिफिट ले चुका हूं तो मेरा एक्सपेंस रेवेन्यू पेमेंट कहा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका। सुना मेरी बात? सर सर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना आप, सिंपल लैंग्वेज में आते हैं। देखो मैं इनसे हटता हूं, मैं आपके पास आता हूं, पता है ये आपके पापा जी हैं, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पापा जी हैं, पापा जी हम जिनके लिए अकाउंट्स स्टडी कर रहे हैं। ये कौन है? ये आप है, उनका बेटा जी। पापा ने क्या किया, आपको बोला कि बेटा लो ये 10 रुपए, 10 रुपए लो और जाके आप चॉकलेट खा लेना। ये बात इसी साल की है, आप गए दुकान में और आपने क्या किया, ये चॉकलेट खरीदा और इसको आप खा गए। मुझे बताओ जो 10 रुपए पापा के पॉकेट से निकला, क्या इसके बदले में करंट ईयर में आप उसको यूज कर चुके हो क्या, उसका बेनिफिट ले चुके हो क्या? सर हाँ सर, हम खा के खत्म कर चुके हैं। मेरे बच्चे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं अगर उस पेमेंट के बदले में बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ही ले लिया है तो उसे कहूंगा क्या जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। फिर सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा बताओ, आओ ना इसको भी समझते हैं। मेरे बच्चे कोई भी ऐसा मैंने पेमेंट किया, मैं अब इस पेमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी मैंने जो ऐसा पेमेंट किया जिसका बेनिफिट इस साल नहीं आने वाले वर्षों में लूंगा, अरे वो पेमेंट जो मैंने किया जिसका बेनिफिट हमें इस साल नहीं मिलेगा, आने वाले वर्षों में मिलेगा, मतलब इस साल के बाद हमें मिलेगा, हम उसे बोलते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल, सर 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 बताओ ना कैसे, सर इसका मतलब बताओ ना, आओ मैं आपको दिखाता हूं, जरा सुनना ध्यान से। पता मैंने क्या किया, टाटा ने क्या किया बच्चे, टाटा ने एक बिल्डिंग परचेज किया, जरा सुनो ध्यान से, अपने आप बताना शुरू कर देंगे। बिल्डिंग परचेज किया, आप बताओ जो बिल्डिंग परचेज किया क्या वो इस साल ही यूज होगा कि वो आगे भी यूज होगा? आप बताओ सिर्फ वो इस साल यूज होगा कि आगे भी यूज होगा? सर वो आगे भी यूज होगा, अरे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी ऐसा पेमेंट करूं जिसका बेनिफिट इस साल के बाद भी मुझे मिलेगा, हम उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सुना मेरी बात? सर सर थोड़ा और समझाओ। अरे देखो ना टाटा ने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया। आप बताओ जो फर्नीचर को परचेज किया ये फर्नीचर इस साल यूज होगा कि आगे भी होगा? सर ये आगे भी यूज होगा, ऐसे थोड़े कि सर फर्नीचर आज परचेज किया और साल के एंड में खत्म हो जाएगा, हम कई वर्षों तक उसको यूज करते हैं। मेरे बच्चे जिसका बेनिफिट आगे भी मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका। तो सिंपल से शब्दों में अब हम खुद आते हैं आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वो कोई भी एक्सपेंस जो आपके दिमाग में आए, कोई भी पेमेंट, एक्सपेंस ना बोल के हम बोलेंगे पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो आपके दिमाग में आए और उस पेमेंट के बदले में अगर आपने करंट ईयर में ही बेनिफिट ले लिया है, वो आगे नहीं चलने वाला, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर हम उसका बेनिफिट हम आगे आने वाले वर्षों में भी लेंगे, तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, फिर मैं और डिटेल में आऊंगा, आज तो मजा आने वाला है क्लास में। लिखे थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ पे लिखना, इट इज एन एक्सपेंडिचर, खर्चा, पेमेंट, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द कॉमा देखे द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड
within the current accounting period. करंट अकाउंटिंग पीरियड मेरे बच्चे ये हमने कहा इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर लिखते हो ना सॉरी ठीक है बस यहां तक लिख के छोड़ दो आप कहता है कि इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन करंट अकाउंटिंग पीरियड जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल ध्यान से क्योंकि यहां पे बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो मैं खत्म करना चाहता हूं आपको अभी से लिखो जरा यहां पे रेंट पेड फिर आपने क्या लिखा जी यहां पे आपने सैलरी पेड रेंट हो गया सैलरी हो गया और बताइए क्या था आपका इंटरेस्ट पेड हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है ना बच्चे इंटरेस्ट जो लोन पे हम पे करते हैं रेंट पे किया पे हो रहा है एक्सपेंडिचर मतलब क्या पेमेंट आपका होगा रेंट पे किया सैलरी पे किया इंटरेस्ट पे किया वेजेस जो है ना बच्चे वो हम पे करते हैं मजदूर को सैलरी पे करते हैं इंप्लॉई को इंप्लॉय जो होते हैं वो ऑफिस में वर्क करते हैं इसलिए हम उनको सैलरी पे करते हैं मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम वेजेज पे करते हैं तो रेंट पे किया सैलरी पे किया इंटरेस्ट पे किया वेजेज पे किया कुछ और बताओ सर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो हमारा आता है हाँ बच्चे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया वो भी आपका एक्सपेंस है सर टेलीफोन बिल भी तो पे करते हैं तो लिखो ना टेलीफोन जो बिल के पे किया आपने पेड लगाओ सबके आगे में क्योंकि मैं पेड क्यों लगा रहा हूं क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चे आपका ये एक्सपेंडिचर में पेमेंट आपका हो रहा है तो रेंट पे किया सैलरी पे किया इंटरेस्ट पे किया वेजेज पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया टेलीफोन पे किया और बताओ ना और क्या लिखूं मैं यहाँ पे आप जो बोलो मैं लिखूंगा अरे जो बोलो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो बोलो सर 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 आप क्या लिखे हम और क्या पे करते हैं बहुत सारे पे और बताओ आप सर आप बताओ ना चलो मैं बताता हूं यहाँ पे मान लो आपने क्या किया यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस हमने कुछ फोटोकॉपी कराया था फोटोकॉपी कराते ना बच्चे पेपर का और उसके लिए हमने पे किया तो ये सारा का सारा क्या होगा जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेकिन हाँ जो बाकी बच्चे नहीं जानते आप जानते हो वो समझना ये जो भी पे किया ना बच्चे इसके आगे लिखा गया है कि मस्ट बी फॉर करंट ईयर ये सारा का सारा पेमेंट करंट ईयर का होना चाहिए अगर वो करंट ईयर का नहीं हुआ तब फिर रेवेन्यू नहीं बोलूंगा वो करंट ईयर का होना चाहिए देखो ना अब आपको अच्छा लगेगा इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करंट ईयर जिसका बेनिफिट मिल जाए करंट ईयर में तो ये जो भी कुछ पे किया वो करंट ईयर के लिए होना चाहिए मतलब इसका बेनिफिट आपको क्या हुआ करंट ईयर में मिल गया तभी आप इसको बोलेंगे क्या जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है सर फिर कैपिटल का भी लिखा दो ना मैं इसको हटाता हूं अभी दिमाग में ज्यादा जोर मत देना और बहुत सारी बातें आपको अभी इफ और नहीं लाना मैंने आपसे पिछले क्लास में कमिटमेंट लिया था बस मेरी बात सुनते चलो जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेंगी बातें अपने आप यहां पे क्लियर हो जाएंगी ठीक है ना अब जरा आओ सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है लिखेंगे इसके बारे में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहते हैं कि इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड कब जी करंट ईयर में कि फ्यूचर में सर फ्यूचर में इन फ्यूचर लिखो यहां पे इन फ्यूचर आगे आने वाले वर्षों में जो बेनिफिट आपको देंगे उसको हम क्या बोलेंगे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दो यहां पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स मेरे बच्चे इनको हम क्या कहते हैं एसेट कह दो इट लगाया था हमने इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट ASET इसको हम एसेट भी कहते हैं हमारे अकाउंटिंग में बात सुना गई इसको हम क्या करते हैं आपका एसेट भी कहते हैं सर एसेट क्या होता है अभी तो समझना सिंपली प्रॉपर्टी बच्चे प्रॉपर्टी
है ना, कौन सी प्रॉपर्टी जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी, उस सबको हम क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे एसेट्स कहते हैं। लिखो आगे में आपका लिखेंगे यहाँ पे इसके बाद सच एक्सपेंडिचर, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड, क्यों जी, टू एक्वायर, जरा बताओ ये खर्चे हम क्यों करते हैं, टू एक्वायर, क्या क्या बोला था, एसेट, या तो एसेट्स को एक्वायर का मतलब क्या, परचेज करने के लिए इनको खर्च करते हैं, सच एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स कर दो, और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, क्यों, क्या दिक्कत है इसके अंदर में, अभी तो बताया। अरे कोई भी ऐसा खर्च करो जिस खर्च का बेनिफिट आपको, कर लो अंडरलाइन, जिस खर्च का बेनिफिट आपको कहां मिलेगा, इन फ्यूचर। यहां क्या लिखा था, इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मतलब वही एक साल, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू कहेंगे, उसके बाद मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ एक अच्छा वर्ड लिखा कि ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स, हम एसेट्स को एक्वायर यानी कि परचेज करने के लिए इन खर्चों करते हैं, या फिर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट। देखो एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, वो आगे का विषय है, थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा अभी आपको उतना ही समझना है। जैसे मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग जो है ना बच्चे, जरा बताओ, मैंने जब ये बिल्डिंग परचेज किया, आप बताओ बिल्डिंग परचेज किया 50 लाख में, 50 लाख में, तो जो बिल्डिंग मैंने 50 लाख में परचेज किया, आप बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा, आने वाले वर्षों में मुझे मिलेगा, क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मुझे अब ये बताओ, कि इस बिल्डिंग के ऊपर में अगर मान लो मैं एक और फ्लोर को बना देता हूं, एक और फ्लोर जहां पे और लोग रहेंगे जी, किराए पर दे दूंगा, किसी को बेच दूंगा, कुछ और भी काम कर लूंगा, किसी भी रीजन से मैंने एक फ्लोर और बना लिया, तो जरा बताओ एक फ्लोर और बनाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे ना। अरे अगर एक फ्लोर बनाया तो पैसे खर्च नहीं होंगे, पेमेंट नहीं करना होगा, सर करना होगा। आप बताओ ये जो खर्च किया, क्या इससे मेरे बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नहीं, बोलो ना। अरे बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे, मैंने एक फ्लोर और बना दिया तो मेरे बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ गई ना बच्चे, मैं और पढ़ा सकता हूं बच्चे को, मैं यहां पे और लोगों को रख सकता हूं, मैं उसको बेच के और पैसे कमा सकता हूं। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी जो खर्च करते हैं ना एसेट्स के अंदर में, वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सुनो मेरी बात, अभी आपको बहुत नहीं सोचना, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी तो उतना ही करो जितना बता रहा हूं, क्योंकि समय अभी चलेगा, ये तो समुद्र है, ये अकाउंटेंसी जिसमें मैं आपको लेकर आई, समुद्र बच्चे, अभी समुद्र में मैंने एंट्री कराया, अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको समुद्र के बीच में धकेल दूंगा तो फिर परेशान हो जाओगे आप, इसलिए आपको किनारे किनारे में पहले तैरना सिखा रहा हूं। आपको अभी कोई इफ और दिमाग में नहीं आना चाहिए, जितना बोल रहा हूं बस उतना सुनो। अभी मैंने 6-7 क्लास का कमिटमेंट आपसे कराया था पिछली क्लास में, आपको याद होगा, आप 6-7 क्लास के बाद आपका अकाउंट इस तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, बस सुनते चलो मेरी बात को, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई बाहर वाला कोई आपके घर में आ जाए और वो आपसे कहे कि जरा बताओ जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर तो कहना कि भैया खर्चे, कोई भी पेमेंट किया, कोई भी पेमेंट करना, अगर बिजनेस से कोई भी पैसा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेंडिचर कहेंगे। हाँ वो कहता जरा ठीक से समझाओगे तो कहना कि हाँ मेरे सर ने बताया था कि एक्सपेंडिचर जो पैसे जा रहे हैं उनको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिस पैसे को पे किया और उसका बेनिफिट अगर हमने ले लिया करंट ईयर में तो हम उसे कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलत बोला, नहीं सर। और जिनका खर्च हमने कर दिया और बेनिफिट हमें इस वर्ष के बाद आगे मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब आगे भी मिलेगा, इस वर्ष भी मिले और आगे भी मिले, तो मैं क्या बोलूंगा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्यूचर में जो बेनिफिट देगा।
आई बात समझ में? अब वो बोले कि यार हमें तो नहीं समझ में आया, तो आप उसको एग्जांपल समझा देना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, हमने कमीशन पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने कुछ मान लो वो क्या अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, हमने आपका टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, हमने कोई स्टेशनरी पेमेंट किया, प्रिंटिंग करा लिया, मतलब कोई भी खर्च हो यार, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं बिजनेस में, नहीं कराते ऐड, नहीं कराते ऐड सर, कराते हैं तो ऐड पे जो पैसे खर्च हो रहे सब तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, तो आप उनको बताना, मशीन खरीदा, बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, हमने हमने क्या क्या बताऊं मैं, हमने क्या बताया, मैंने मैंने मान लो मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या बताऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी, अरे कुछ भी परचेज किया जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। आपके हाथ में ये जो घड़ी है ये क्या है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कई वर्ष तक मुझे बेनिफिट देगा, ऐसा थोड़े कि साल खत्म हुआ घड़ी खत्म हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा है। हुआ ना बच्चे? सर और बताओ ना सर, और एसी लो एसी, अरे एसी ऐसा थोड़े कि इस साल ही खत्म हो जाएगा, आगे भी यूज करूंगा, करूंगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है। ये कैमरा जो टुकुर 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 मुझे देखता रहता बदमाश, एक शब्द ये बोलता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता ये बदमाश, पता नहीं ये क्या है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस साल ही थोड़े खत्म हो जाएगा, आगे भी उसको यूज करूंगा। अरे कोई भी चीज पे हाथ रखो जो कई वर्षों तक यूज किया जाएगा वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो इस साल ही बेनिफिट दे देगा उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। सर सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बोला आपने कई वर्षों तक, उसकी वर्ष की क्या लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। अगले वर्ष का अगर दो महीना भी तीन महीना भी यूज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बस जो भी फ्यूचर में बेनिफिट देगा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट ले चुके उसको क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात यहीं पे खत्म हो गई। सर आपने जैसे ये कहा था कि इसको हम एसेट्स कहते हैं, लो मैं ब्लू ब्लू खेल खेलता हूं आपके साथ, कर लो आप भी अंडरलाइन, एसेट्स, इसको एसेट्स कहते हैं। सर इसको भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ बच्चे कहते हैं, लेकिन वो अनडिस्क्लोज्ड अभी रहेगा, वो शब्द अभी मैं आपको देने वाला नहीं हूं, वो तो हीरा है, वो हीरा है, उस पर पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, वो जो नलायक बच्चे है ना, आपको छोड़ के मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको वही तो परेशानी होती है, आपको लेकर आऊंगा उस शब्द पे, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ ओहो समझ में नहीं आया, क्या मजा आ गया मुझे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझाते समझाते एक नया वर्ड आपको दे दिया मैंने, क्या जी, एसेट्स। आप जिसको आज तक प्रॉपर्टी कहा करते थे, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, पापा कहते ना मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, वो बगल वाला कहता है मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो जो प्रॉपर्टी उनका जो था ना बच्चे प्रॉपर्टी, अब उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, आपका सुन लो मेरी बात, एसेट्स। अब मैं कहानी को यहीं पे आगे बढ़ाऊंगा और मेरा अगला वर्ड आपका जो होगा ना वो एसेट्स को लेकर आपका होगा। तो आप आओ जरा, अब हम एट से लिंक करते हुए हम नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं, नाइन्थ पॉइंट आते हैं और नाइन्थ में हम एसेट्स के बारे में समझते हैं, एसेट्स के बारे में। ये मुझे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आता, अपना ही नहीं समझ में आता, तो आपको क्या समझ में आएगा, ये एस लिखा है बच्चे, एस लिखा है हमने, एसेट्स लिखा है। तो आज रहा मैं आपको एसेट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं, लिखिए यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे कि एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स कैन बी डिवाइडेड, एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। बच्चे मेनली जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में, तीन तरीके के। सर कौन कौन से होते हैं, आप एक काम करो इसको डायग्राम पे लेकर आओ, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो आपका पहला जो है बच्चे, अब इसको कहते हैं हम नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। सुना आपने, एसेट्स मतलब इसको हम क्या बोलेंगे आपका, नॉन करंट एसेट्स। दूसरा लिखेंगे आप यहां पे, दूसरा लिखेंगे आप यहां पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और तीसरा लिखेंगे आप यहां पे नंबर थ्री में फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स। सर क्या लिखा आपने, फिक्टिशियस मेरे बच्चे, झूठा, एफ आई सी टी आई टी आई ओ यू एस, फिक्टिशियस एसेट्स, झूठा एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, लिख दो यहां पे झूठा, कैसे लिखते हैं झूठा, आई थिंक ऐसे लिखते हैं, या फिर आप देख लेना मुझे नहीं पता, झूठा अगर ऐसे तो वैसे वाला कर देना, ऐसा तो ऐसा, झूठा एसेट। बस
ये झूठा है, बस मन की शांति के लिए हम कहते हैं ये एसेट्स है, वो एसेट्स नहीं होता, ये एसेट्स नहीं होता। सर ये क्या होता है वो देखेंगे बाद में, पहले आप इसकी कॉपी कर लो। हमने आपके लिए क्या किया, जो हमारे एसेट्स होते हैं मेरे बच्चे, इन एसेट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉन करंट एसेट्स हो गया, एक करंट एसेट्स हो गया, फिक्टिशियस। ये नया नया डेफिनेशन इसका आया है, नया नया, और इसका बहुत वास्ट डेफिनेशन है, बहुत वास्ट। लेकिन आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपके लिए उतना वास्ट डेफिनेशन काम का नहीं है, थोड़ा सा बड़े हो जाओ फिर मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। आज तो हम अपने उतनी ही बातें करेंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट आपका, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, आओ जरा पहले मैं बताऊं नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे बाद में। लिख दो यहां पे लेटर ऑन। सर लेटर ऑन कहीं भूल तो आप नहीं जाओगे? कुछ भी नहीं भूलता, कुछ भी नहीं भूलता, मैं हमेशा याद रखता हूं सारी बातें बच्चे। नाग हूं मैं, नाग, नाग बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर में, मतलब नाग नहीं हूं, नाग बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर में। वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था आज से 90-95 साल पहले कि जो चीज एक बार वर्ड बोल दोगे उसको भूल नहीं सकते, ना भूलूंगा। जैसे नहीं होता नागिन के आंख में उसका दुश्मन बैठ जाते हैं, उसी तरीके से मेरे आंख में मेरे वर्ड बैठ जाते हैं। जब मैंने कहा लेटर ऑन, बाद में कराऊंगा तो कराऊंगा, आप चिंता नहीं करना, अभी तो पहले हम इस दो वर्ड पे मास्टरी कर लें। सुनो मेरी बात, सुनो तो आपसे बात कर रहा हूं, देखो ना, देखो तो मैं क्या बोलूं सिंपल शब्दों में। पहले बताओ एसेट्स क्या होते हैं, बताओ जरा एसेट्स क्या होते हैं। सर आपने कहा था एसेट्स का मतलब होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स आपका, ठीक है सर। हां ये देखो मैं बता रहा हूं, सुनो, लिखना बंद करेंगे आप। देखो मान लो मैं ये सोच रहा हूं, कब जी, 31 दिसंबर 2018 को, बस सुनते चलो मेरी बात, ये हमारा करंट ईयर था, 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका ये हमारा करंट ईयर है, और देखो यहां पे वर्ष खत्म हो गया 31 दिसंबर। मैं यहां पे सोच रहा हूं कि यार जो सर ने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मतलब अब नाम दो ना, क्या हमने उसका नाम दिया था एसेट्स, मैं यहां पे सोच रहा हूं। आप कभी भी सोच सकते हो, कभी भी सोच सकते हो, लेकिन जनरली ये सोचना जो होता है ना बच्चे अकाउंट्स में, वो साल के एंड में होता है, साल के एंड में। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा रीजन क्या है, बस समझ लो अभी, कि मान लो मैं साल के एंड में सोच रहा हूं कि यार मेरे जो एसेट्स हैं वो आपका नॉन करंट है। सर हम भी लिखे, नहीं लिखना, बस सुनो मेरी बात, क्या वो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हैं या फिर वो करंट एसेट्स हैं। मैं ये सोच रहा हूं साल के एंड में कि मैं क्या उनको नाम दूं, इतना पक्का है कि इन दोनों का बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा फ्यूचर में, तभी हमने उसको एसेट्स कहा, तभी एसेट्स कहा। लेकिन उन एसेट्स में किसको मैं कहूंगा नॉन करंट और किसको कहूंगा करंट एसेट्स, तो मेरी बात सुनो। अकाउंट्स कहता है कि देखो जी, जिसका बेनिफिट यहां से आपका एक साल, मतलब 31 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2019, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में वो अगले एक साल के अंदर तक में खत्म हो जाएगा। अगर जिस एसेट्स को, जिसको आपने एसेट्स कहा और वो अगले एक साल में खत्म हो जाएगा, एक साल में वो खत्म हो जाएगा बच्चे, वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा आपके अकाउंट से, उनको हम कहेंगे करंट एसेट्स। आप सुन लो मेरी बात ना, मैं चिल्ला रहा हूं आपके लिए, इतने यहां कोई नहीं है, कसम से यहां कोई नहीं है, एक एक चिड़िया नहीं है, एक एक चूहा नहीं है, एक मच्छर यहां पे नहीं है। ये निर्जीव जो कैमरा मेरे सामने है बच्चे, टुकुर 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 देखे जा रहा है, इसी को देख के मैं मान रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और कोई यहां पर नहीं है, एक चे करने वाला कोई नहीं है, एक मच्छर यहां पर नहीं है, और चिल्लाया जा रहा हूं ताकि आपको नींद ना आए, आप सो ना जाओ, आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। तो आपको आपको बिल्कुल सुनना मेरी बात को, आप ये मत समझो कि मैं आपके सामने नहीं हूं, बिल्कुल आपके सामने हूं, मैं आपके दिमाग को पढ़ रहा हूं, आपका दिमाग कहां चल रहा है, क्या क्या सुन रहा है, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, नजर यहां। अरे हमने कहा कि जिस दिन आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि हमारा एसेट्स नॉन करंट है कि करंट है, हमने कहा भैया उस दिन से, मतलब साल के एंड से, अगले एक वर्ष में जो खत्म हो जाएगा, जिसका बेनिफिट अगले एक वर्ष में आपको मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और जो एक साल नहीं, एक साल से भी आगे चलेगा,
जो इस एक साल से भी आगे चलेगा उसको मैं क्या कहूंगा, नॉन करंट एसेट्स, मतलब वो करंट एसेट्स नहीं है। दोबारा बताऊं क्या, दोबारा सुनो, करंट एसेट्स का मतलब होता है कि जो अगले एक साल में खत्म हो जाएगा, जिसका बेनिफिट अगले एक साल में मिल जाएगा। कौन सा एक साल? साल के एंड होने के बाद, साल के बीच में जो मिलेगा वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एसेट्स तब बोलेंगे जब उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, और आगे के एक वर्ष के अंदर में ही अगर उसका बेनिफिट मिल गया तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप यहां पे करंट एसेट्स, और जो एक साल से ज्यादा समय चलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। मैं इसके एग्जांपल कुछ देता हूं आपका नॉन करंट का, जैसे कि आपका बिल्डिंग। आप मुझे बताओ कि क्या ये बिल्डिंग जो है वो बेनिफिट एक साल ही देगा क्या? नहीं सर, ये तो 20 साल 30 साल 40 साल 100 साल बिल्डिंगें चलती हैं, पर बच्चे वो नॉन करंट एसेट्स है। मेरा मशीन, मैंने एक मशीन लगाया, जरा बताओ एक साल ही बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं सर, कई साल तक मिलेगा, नॉन करंट एसेट से। मेरा ये एसी क्या एक साल ही चलेगा क्या? नहीं सर, कई साल तक चलेगा, ये नॉन करंट एसेट से। ये कैमरा क्या एक साल ही चलेगा क्या? नहीं सर, कई साल चलेगा, नॉन करंट एसेट से। अरे वो मैं क्या बताऊं, जरा बताओ क्या बताओ, कुछ भी नाम लो, प्लांट हो गया, प्लांट जिसमें कि मेरा प्रोडक्शन चल रहा है वो सारे। आपके घर में जो फ्रिज है क्या एक साल ही चलेगा क्या? नहीं सर, कई साल तक, नॉन करंट एसेट्स है। आपके घर में जो टीवी है वो एक साल ही चलेगा क्या? नहीं सर, कई साल तक, नॉन करंट एसेट्स है। अरे कहा ना मैं, जिसका बेनिफिट आपको कई वर्षों तक मिलेगा, कई वर्षों तक, वो नॉन करंट हो जाएंगे, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में सिर्फ एक साल तक में मिलेगा उसको हम करंट एसेट्स कहेंगे। आई बात समझ में? सर हाँ, आओ ना मैं इसको थोड़ा लिखाऊं, आपको अच्छा लगेगा। आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं, सर हाँ सर, इसको तो हटा दो और सर यहाँ पे लिखा दो इनके बारे में। एक काम करना, मुझे पता है क्योंकि आपने जगह पूरा यूज कर लिया होगा, तो ऐसे ना करके अब यहाँ पे इसको मैं 9 का जो 1 था ना, यहाँ लिखो आप 1, किसके बारे में? नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, लिखना यहां पे, लिखेंगे इसके बारे में। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो हम लंबे समय के लिए अपने पास रखे हैं, आगे ब्रैकेट में इसका मतलब होता है फॉर मोर देन 1 ईयर। लंबे समय अकाउंट्स में डिफाइन किया गया कि एक वर्ष से ज्यादा आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नॉन करंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका लिखो यहां पे मशीन, और ये साफ साफ लिखना, मशीन हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया बच्चे आपका, फर्नीचर हो गया, और कुछ बताओ। एक नया वर्ड दे रहा हूं, यहां देखो एक नया वर्ड, गुडविल। सर ये क्या होता है, हमने तो नहीं सुना है, अभी तो सीख रहे हो ना, लिखो तो आप, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया। फिर मैं आपको बताऊं यहां पे और कुछ नाम, तो आप लिखो यहां पे और एग्जांपल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पर बच्चे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कहीं पैसा लगाया है और वो लंबे समय के लिए 10 साल 20 साल 25 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालूंगा। कोई हमने एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट, 5 साल के बाद पैसा निकालूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म आपका, लॉन्ग टर्म एक्सेट्रा लिख दो यहां पे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन मैं अभी ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं उन्हीं बातों को लिख रहा हूं और समझा रहा हूं जो आपको आराम से समझ में आ जाए, बाकी बातें तो हम देखते चलेंगे, अभी तो हमने शुरुआत की अकाउंट्स की। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, फॉर मोर देन 1 ईयर आपका। एग्जाम्पल में क्या बोला, आपका मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है, और देखो थोड़ा सा बीच में मैंने गैप छोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा है, आप ही छोड़ोगे सर, क्यों, आगे बताऊंगा, लिख दो पहले यहाँ पे आपका। फिर उसके बाद आ जा रहा यहाँ पे नंबर टू में आपका दूसरा क्या है, करंट एसेट्स, लिखिए यहां पे करंट एसेट्स
सर ये करंट एसेट्स क्या होते हैं सर, जरा समझाओ ना, लिखना। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड by the firm with the purpose of converting them into cash or for using them within a short period। और वो शॉर्ट पीरियड जरा बताओ कितने का बोला था हमने, विद इन वन ईयर। आपका देखो ना कितने प्यारे प्यारे शब्दों में मैंने आपको बताया है। हमने कहा कि वो सब कुछ, मैं आपको अंडरलाइन भी करूंगा यहां पे, वो सारे सेट्स जो फर्म ने अपने पास रखे हैं, विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, जिनको हमने रखा है कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कितने समय में, विद इन वन ईयर, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट किए जाएंगे उनको हमने क्या बोला, थोड़ा सा इसको और लिखने का मन कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, यहां देख लेंगे। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ ईयर और फॉर यूजिंग, और है यहां पे, या फिर फॉर यूजिंग देम विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दो बातें यहां पे आई बच्चे, एग्जाम्पल लिखो जैसे कि, जो देखो जिनको हमने अपने पास रखा है और उनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड में आपका, या उनको हम शॉर्ट पीरियड में उसको यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लिखो यहां पे, स्टॉक हो गया वो डेटर्स मेरे बच्चे, जिनको हमने गुड्स बेचा था ना ऑन क्रेडिट और पैसा लेना था, वो हमारे डेटर्स हो गए यहां पे करंट एसेट्स में। फिर लिखो बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा हो गया। आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है या फिर जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कैश हो गया बैंक हो गया और भी कोई नाम, क्या नहीं काफी है, लिख दो यहां पे एक्सेट्रा। नाम तो और भी होता है, अभी हमें चलने तो धीरे धीरे, मेरे हिसाब से हम और भी नाम लेकर आएंगे, बट अभी तक जो डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं उनमें से इनको करंट एसेट्स कहा जाएगा। अब सुनो मेरी बात, स्टॉक, आप बताओ एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो दुकान में अपना स्टॉक यानी कि गुड्स रखा है, क्या वो चाहता है कि गुड्स वो 50 साल तक रखे, 20 साल तक रखे, बोलो ना, या चाहता है कि आगे आने वाले समय में बिक जाए, क्या चाहता है वो, सर वो चाहता है कि जल्द से जल्द बिक जाए, ये तो चाहता है। हमने तो आज तक किसी दुकानदार को नहीं देखा, किसी भी शॉपकीपर को, जो गुड्स को बनाता है जी और बोलता है कि भैया मैं 50 साल के बाद बेचूंगा, वो तो आज बेचना चाहेगा। तो ये जो स्टॉक है ना बच्चे, स्टॉक, मैं ये क्लासिफिकेशन कब कर रहा हूं, साल के एंड में जो स्टॉक है ये आपका, इनको हमें कैश में कन्वर्ट करना है विद इन ईयर, जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर हम बात करते हैं डेटर्स का, जरा देखो डेटर्स जिनको हमने गुड्स बेचा था क्रेडिट पे, वो कस्टमर, क्या पैसा उनसे हम 10 साल के बाद लेंगे? नहीं सर, नहीं, ट्रेंड तो होता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने पैसा ले लेने का, ये सब हमारे करंट एसेट्स है। वो बिल्स रिसीवेबल जो हमने उनसे साइन कराया था बच्चे, वो भी हमारा करंट एसेट्स है। हमें पैसा आपसे कुछ समय के अंदर लेना है, हम बहुत समय तक थोड़े वेट करेंगे आपका। तो या फिर कैश तो खुद ही कैश है, जो कैश आपका पड़ा हुआ है। बैंक का मतलब क्या, जो बैंक में पैसा है हम उसको यूज करना चाहते हैं, वो हम बिजनेस के लिए लगाना चाहते हैं, जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। ये सब कुछ जो हमारे है ना बच्चे, उनको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। सर इतने ही नाम, मैंने कहा ना बहुत सारे नाम होते हैं, और नाम तो मैं कभी लिखाऊंगा नहीं आपको, मेरा काम नाम लिखना नहीं है, मैं तो आपके दिमाग में कैसे ये क्लासिफिकेशन होता है वो कॉन्सेप्ट को बैठा दूंगा। उसके बाद तो आपके पास कोई भी नाम आएगा आप खुद बता दो कि भैया मेरा ये करंट है कि फिक्स, जरा बताओ मेरे पास ये बुक पड़ा हुआ है, ये बुक मेरा पड़ा हुआ है,
मान लो ये मेरी 11th क्लास की बुक है, आप बताइए जो बुक है इसका बेनिफिट करंट ईयर में लूंगा एक साल या मैं 50 साल तक यही पढ़ूंगा? आप बताओ, जब मैंने बुक परचेज, मैं मतलब आपकी बात कर रहा हूं, तो क्या आपने सोचा कि यार 11th क्लास में 10 साल तक 11th क्लास में ही पढ़ूंगा? नहीं सर, नहीं, हमें तो जल्दी पास करना है, फिर 12th क्लास में जाना है, फिर आगे और पढ़ाई करनी है। ठीक बोला आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बुक है ना बच्चे, ये आपका करंट एसेट्स हो गया, क्योंकि अगले एक वर्ष में इसको खत्म करेंगे आप। गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर, नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन जो फर्नीचर आपने घर पे लिया है इस बुक को पढ़ने के लिए, बुक को रख के पढ़ने के लिए, वो टेबल जिस पे आप पढ़ रहे हो, वो तो हमारा क्या है जी, फिक्स्ड आपका है, सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन करंट आपका हो गया, क्योंकि हम उसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। तो बातें बड़ी सिंपल है, एक बार समराइज कर रहा हूं, दिमाग यहां लेकर आओ और थोड़ा सा सांस लो, बिल्कुल दिमाग शांत। दुनिया में कोई नहीं है, मैंने पहले कहा था, बस दो इंसान है, आप और मैं, और भूल जाओ कि घर में कौन है, कौन क्या करता है, किसी से मतलब नहीं, बस अकाउंट्स और कुछ नहीं। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि भैया जितने सारे बिजनेस में पैसे जाते हैं बाहर, एक तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल, रेवेन्यू मतलब क्या, जिसका बेनिफिट मिल गया करंट ईयर में, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में, उसको हमने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। वो फ्यूचर में जो बेनिफिट देंगे, यानी कि एसेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको अभी हटा दो, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि जो अगले एक साल तक बेनिफिट देगा टू द मैक्सिमम, मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या कैश ही है एक साल के अंदर में, उसको हम करंट कहेंगे। जो एक साल से ज्यादा समय हमारे पास चलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। अब बताओ इन पैसों का मैं क्या करूं, ये पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, इनका मैं क्या करूं? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए, आधे आधे दाम पे दे दूंगा, ये 2000 का नोट है, 1000 रुपये में दे दूंगा, चाहिए आपको? आप मुझे फोन करना, अगर चाहिए तो मैं ये आपको दे दूंगा, आपसे बस आधे पैसे ले लूंगा इसके। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ, आपके फोन का मैं इंतजार करता हूँ इसको आने का। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ और आपको इशारा करूंगा, मेरे इशारे को ध्यान समझना। हम अभी उसके बारे में बात नहीं करें, फिक्टिशियस को छोड़ दो, हम बात क्या कर रहे हैं, नॉन करंट का, करंट का। बच्चे करंट में ये जो हमने नाम लिखा ना, ये नाम, अभी बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे मैं आपको बताते चलूंगा क्या क्या आएगा, लेकिन इनमें से अगर मैं इसको छोड़ दूं और मैं बात इनकी करूं, इनकी, आप देखो चाहो तो आप भी ऐसा घेरा लगा लो, ऐसा चक्र बना लो। पता है इनको एक्चुअली हम एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स, FIXED, और एसेट्स का मतलब क्या, AASSETS, फिक्स्ड एसेट्स। सर क्या करते हो, अभी तो हम गुडविल ही नहीं समझ पाए थे, आपने नया नाम दे दिया, पहले ये तो समझाओ सर। अरे दोनों समझा दूंगा, आओ ना, सिंपल शब्द है, कहीं दिक्कत तो नहीं अभी तक आई? नहीं सर, सर कुछ इफ और नहीं सोचना, अभी मैंने कहा था जितना बोल रहा हूं बस उसी पे फोकस करो, इफ और आगे आएगा मैं देखूंगा, पहले मैं यहां तक की बात करूं। पहले मैं एक काम करूं क्या, मुझे कुछ मिटाना है, मैं इसी को मिटा दूं, क्योंकि मुझे इसको अभी इसका यूज है, मैं इसको रखूंगा, पहले मैं इसको मिटाता हूं। लीजिए, और एक काम करेंगे आप ना, जहां पे आपने 9th पॉइंट खत्म हुआ, अब लिखो यहां पे 10th पॉइंट आपका, और अब हम बात कर रहे हैं किसका जी, फिक्स्ड एसेट्स का। लिखिए मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहले तो बिना किसी डाउट के, इट इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, है ना बच्चे, जो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट है, इसमें तो कोई डाउट ना हो। क्योंकि अब देखो ना, मैंने जो नाम निकाला, कुछ नाम जैसे एक नाम ये आया और भी कुछ नाम हो गए, उसको हटा दिया, बाकी क्या बोला, फिक्सेट्स, और इसी के अंदर आपका आता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो फिक्सेट्स होते हैं बच्चे, इट इज पार्ट ऑफ आपका नॉन करंट एसेट्स। थोड़ा सा आप लिखो इसके बारे में। अच्छा मुझे बताओ ये जो फिक्सेट्स आपके हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले हैं कि लॉन्ग टर्म वाले हैं? सर लॉन्ग टर्म इसमें है ना सर, सब लॉन्ग टर्म वाले हैं। पता ये जो फिक्सेट्स है ना बच्चे, इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिक्सेट्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म आपके टेंजिबल, ये जो आपके हैं, 2 पार्ट में, एक आपका हो गया टेंजिबल एसेट्स,
और एक होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स। सर ये नाम कभी आपने यूज किया था? हाँ बच्चे, पिछली क्लास में भी हमने टेंजिबल इनटेंजिबल की बातें की थी, तो वही बात यहाँ पे आ गई आपका कि एक नाम आपका टेंजिबल होता है, एक आपका इनटेंजिबल। सर बोलो ना, ये टेंजिबल क्या होता है? आप लिखो, पहले लिखो यहाँ पे, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, गला सूख गया पूरा का पूरा। ओह, पी लिया मैंने पानी। आप लिख चुके इसको? सर हाँ सर लिख चुके हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का, तो एक बात दिमाग में आ जाए कि ये भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, क्योंकि नॉन करंट में आ गए, एक साल से ज्यादा वर्षों तक इसको यूज किया जाएगा। अब जो ये आपका फिक्स्ड होता है उसमें एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। सर बोलो ना, टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है? आओ मैं आपको समझाऊं। बच्चे टेंजिबल का मतलब होता है जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिसको मैं छू सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं। ऑल दोज एसेट्स विच आर टेंजिबल मीन्स दोज एग्जिस्टेंस कैन बी फील, मैं उनको टच कर सकता हूं। अब देखो ना, जरा बताओ ये व्हाइट बोर्ड को टच कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, कर ले रहा हूं, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये सारे टेंजिबल एसेट्स है, हम इनको क्या बोलेंगे? टेंजिबल फिक्सेट्स, है ना। तो मैं काम करूं क्या, टेंजिबल एसेट्स की जगह पे और अच्छा वर्ड लो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को ही तो दो पार्ट में डिवाइड किया, और इनटेंजिबल सिस्टम हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है, लिखो लिखो यहां पे इसके बारे में लिखेंगे आपका, दोज फिक्स एसेट्स, दोज फिक्स्ड एसेट्स विच हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स दे कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हो, टच्ड, आप उनको देख सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो। मेरे बच्चे इन सब को हम क्या बोलेंगे आपका? टेंजिबल फिक्सेट्स। आप जरा कुछ बताओ, फॉर एग्जाम्पल तो देखो, एग्जाम्पल में जैसे मशीन हो गया मेरे बच्चे, बिल्डिंग हो गया, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया। सर ये सब तो आपने यहां भी लिखा था नॉन करंट के अंदर। हाँ बच्चे, नॉन करंट को ही तो हम उसी में से तो बोल रहे हैं कि फिक्सेट्स आपका है, इसी में से आ रहा ना, तो यही एग्जांपल तो यहां भी निकल के आएंगे। तो आपका मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, और बताओ आपका कंप्यूटर आपका हो गया, ये सारे आपके टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे वो आपके एसेट्स होते हैं और फिक्सेट्स होते हैं, मतलब जिनका बेनिफिट कई वर्षों तक मिलेगा। सर जैसे कि बाद में लिखो डेफिनेशन आपका, दोज फिक्स्ड एसेट्स विच डू नॉट हैव there physical existence, full stop, they can not be touched or seen, आप उनको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते। For example, जैसे कि आपका goodwill हो गया मेरे बच्चे, goodwill हो गया, आपको मैं बताऊं यहां पे आपका ट्रेडमार्क हो गया, मतलब ट्रेडमार्क लिखो यहां पे। सर ये क्या होते हैं आगे का विषय मैं बताऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा अभी। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स आपके हो गए, पेटेंट्स आपका हो गया, है ना। और अच्छा एक लो तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो आपके क्या होंगे यहां पे? इनटेंजिबल एसेट्स लिख दो आप यहां पे। तो अब देखो आपका दोनों वर्ड आ गया, फिक्सेट्स भी मैंने बता दिया, अब मैं गुडविल के बारे में थोड़ा सा बताऊं। देखो गुडविल जो होता है ना बच्चे, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, पर लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? सर हां। एक बात बताओ, आप जब मान लो आप एक गाड़ी परचेज करने जाते हो, और आप कहते हो यार मुझे गाड़ी जो लेना है ना वो लेना है, सपोज की
आपका टाटा मोटर्स का है ना बच्चे, आप जब ये मन बनाते हो कि मुझे टाटा मोटर्स का कार लेना है, तो जरा बताओ आप कहां चले गए, क्या आपने देखा टाटा मोटर्स। पर बच्चे टाटा मोटर्स ना एक उसने मार्केट में रेपुटेशन बनाया है, रेपुटेशन इमेज ब्रांड, हम यहां पे एक और नाम दे सकते हैं ब्रांड आपका, ब्रांड सॉरी ब्रांच नहीं ब्रांड, जो उनका ब्रांड है। पता कस्टमर जो आज के टाइम पे है ना वो किसी कंपनी के ब्रांड के साथ जुड़े हुए, तो ब्रांड जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। आपको वो जो ब्रांड है ना बच्चे टाटा कंपनी को जो उनका ब्रांड है वो कई वर्षों तक उनको बेनिफिट देगा, कस्टमर उनके दुकान में आएंगे, सामान परचेज करेंगे, प्रॉफिट आपका होगा, काम चलेगा। गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन, आपका इमेज, आपका मार्केट में अंडरस्टैंडिंग, आपका एक जो क्या बोलते रुतबा। अब देखो रिलायंस कंपनी आज जो भी सामान बेचेगी हम लेने को तैयार हो जाते हैं, क्यों तैयार हो जाते हैं, एक ब्रांड है, एक उसकी गुडविल है मार्केट में। तो मेरे बच्चे ये जो गुडविल है ना उनका जो रेपुटेशन है, गुडविल का हिंदी वर्ड में क्या मतलब होगा, रेपुटेशन, क्रेडवर्थीनेस, रेपुटेशन आपका इमेज, ये रेपुटेशन जो है इनका जो ब्रांड आपका है ये हमें प्रेरित करता है, हमें फोर्स करता है कि हम उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। और ये ब्रांड एक साल में नहीं बनता, कई वर्षों लग जाते बनाने में, और ये आगे कई वर्षों तक हमें बेनिफिट देते हैं। देखो ना रिलायंस कंपनी 100-125 साल से काम कर रही है, कितना बेनिफिट कितने साल से मिलना में, और ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं। मतलब इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि गुडविल जो है ना, गुडविल वो भी एक एसेट से बचे। एसेट्स का मतलब क्या बताया था, एसेट्स का मतलब क्या, जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, और जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा उसमें गुडविल भी है, क्योंकि गुडविल जो हमारा ब्रांड है, हमारा जो रेपुटेशन है, वो भी कई वर्षों तक हमारे पास कस्टमर को लेकर आएगा और उस कस्टमर से हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सारे आपके इंटेंजिबल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी इंटेंजिबल। आपने देखा है कि जो आपका कंप्यूटर होता है, आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर देखा ना बच्चे, लैपटॉप आपने देखा है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर आपने देखा है क्या, सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, लाल पीला हरा काला, बोलो ना। अरे आप कंप्यूटर को देखते हो मुझे समझ में आता है, कंप्यूटर आपका टेंजिबल है, यहां चला गया, लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, टैली का सॉफ्टवेयर है, बेजी का है, आपका एसएपी का है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, आपके कई सारे सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर भी दिखते हैं आपको क्या, नहीं सर वो नहीं दिखते हैं। तो वो हमारे इनटेंजिबल, वो कई वर्षों तक हम उसको यूज करेंगे। अगर मेरे कंप्यूटर में मान लो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो कई अगर मैंने परचेज किया तो कई साल तक उससे बेनिफिट मिलेगा, वो सभी क्या बोले जाएंगे, आपके इनटेंजिबल इफेक्ट्स हैं। क्यों, तो आप ध्यान रखना, टेंजिबल मतलब जिसको आप जानते हो, इनटेंजिबल अभी नया वर्ड आपके पास आया है। नए वर्ड में एक्चुअली मैंने दो तीन वर्ड ही समझाया अभी आपको, एक गुडविल बताया आपका रेपुटेशन, एक ब्रांड जो आप ब्रांड जिसके लिए आप काम करते हो, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाते हो, टाटा बिरला रिलायंस सभी क्या ब्रांड बन चुके हैं ब्रांड, और आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये पेटेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, और अभी और कई सारे नाम आएंगे, कॉपीराइट्स आएगा, ये सब बाद में देखेंगे हम लोग, फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में हम इतना रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए समराइज करते जल्दी से हम लोग क्या किया हमने, हमने कहा कि एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मिलेगा करंट ईयर में, रेवेन्यू जो आगे देगा, कैपिटल, कैपिटल को ही हम बोलते हैं एसेट्स। फिर हमने कहा कि हमारे एसेट्स जो होते हैं वो तीन तरीके का, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नॉन करंट एंड करंट। करंट मतलब जिसका बेनिफिट हमें एक साल में मिलेगा, नॉन करंट यानी कि जो कई वर्षों तक बेनिफिट देगा। नॉन करंट में कई सारे नाम आते हैं, ये भी नाम आया, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स्ड्स नहीं होता, बट ये हमारा नॉन करंट में आता है, क्यों ये भी बात के बात है। जो करंट, जो हमारे नॉन करंट में एक हमने वर्ड कर दिया फिक्स्ड्स का, फिक्स्ड्स दो तरीके का, टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल जिसको देख सकते, इनटेंजिबल जिसको हम नहीं देख सकते, इतनी बातें हमने आपके साथ बताई। ठीक है ना, तो ये हमारा काम पूरा हो गया आपका, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, आप प्लीज इसकी कॉपी करें, मुझे इसको मिटाना है और थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलना है। सर आज बहुत हो गया, सर बहुत हो गया, ना बच्चे ना अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा तो इंतजार करो, थोड़ा सा तो इंतजार करो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा और आगे अब चलता हूँ। सर ये वर्ड हमने आज तक क्यों नहीं सुने थे, क्योंकि बच्चे आप अकाउंट्स में थे ही नहीं, अकाउंट्स में आपने अभी अभी जन्म लिया, मैंने कहा ना, तो जैसे आपने बचपन में क सीखा था, ए बी सी डी सीखा था, पहले कहां आपको उसके पहले ए बी सी डी जानते थे आप, ए बी सी डी सीखा ना, वही ए बी सी डी में आपको सिखा रहा हूं यहां पे अकाउंट्स का, ए बी सी डी अकाउंट्स का। बस जो क्लास में खत्म करूं ना, आप अगली क्लास को स्टडी करने के पहले आपको एक बार इसका रिविजन कर लेना है और बस कुछ नहीं करना, दिक्कत ना आए, दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज समझने में दिक्कत है तो आप फटाफट मुझे फोन करो और मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है,
चलो मैं अब कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मुझे आपको और आगे लेके चलना है, ठीक है ना। देखो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, एक बार मैं लिखूं अपने लिए, अपने लिए जरा बताओ ना, बोलो ना। अब मैं लिखते चलता हूँ, अभी कॉपी नहीं देखेंगे, कॉपी नहीं देखना, ना ना ना, ना कॉपी देख के नहीं। आप बिना कॉपी देखे बताया कि कौन कौन से टर्म हमने सीख लिया। सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सीख लिया, ठीक है, और बताओ क्या सीखा। सर हमने, आपने इसी से गुड्स वर्ड को लेकर आए थे, और गुड्स में सर आपने कई सारी बातें सिखाई थी। एक तो परचेज अकाउंट के बारे में सिखाया था, एक आपने सेल्स अकाउंट के बारे में सिखाया था, और एक आपने स्टॉक के बारे में सिखाया था। परचेज अकाउंट से फिर आपने परचेज रिटर्न के बारे में हमें समझाया, परचेज रिटर्न, और सेल्स से आपने सेल्स रिटर्न समझाया। ये पांचों वर्ड जो है वो किससे जुड़े हुए, गुड्स से। आपका आपने कहा था सर, कहा था कि परचेज रिटर्न को हम यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बाहर की तरफ जाना रिटर्न होके, और सेल्स रिटर्न को हम यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ये सब नाम है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर हमने कहा था कि देखो परचेज जो आपका होता है कैश पे या फिर क्रेडिट पे, हमने इसके बारे में भी चर्चा नहीं की है। अगर परचेज करते क्रेडिट पे तो किससे परचेज करेंगे हम, सप्लायर से। सप्लायर से जब परचेज किया तो सप्लायर को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। और क्रेडिटर से ने अगर हमसे पेपर साइन कराया तो हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट पे करना है। सेल भी आपका दो तरीके का, कैश और दूसरा क्रेडिट आपका। हमने कहा कि क्रेडिट पे सेल करते हो तो किसको बेचोगे जी, कस्टमर को बेचेंगे। हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, और डेटर्स से हम क्या लेंगे, बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को ऐड करके हमने कहा था कि आप इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड में जो टोटल पेमेंट करना है आपको, और इसको बोलते हैं आप ट्रेड रिसीवेबल। ये बातें हुई थी ना हमारी, बोलो ना सर। हाँ सर हाँ। फिर हमने कहा था कि स्टॉक जो हमारे होते हैं वो आपका तीन चीजों का होता है, तीन चीजों का स्टॉक, एक तो रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, और एक आपका फिनिश गुड्स का। पता है स्टॉक और भी होते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, बट आप छोटे छोटे बच्चे, आपके लिए स्टॉक इतना ही काफी है। परचेज रिटर्न और ये तो मैंने बता दिया आपको, ये बातें हमारी हो गई थी। फिर मैं आगे गया, आज मैं आपको इससे आगे लेके चला, एक्सपेंडिचर के बारे में हमने बात किया। आपको रजिस्टर नहीं देखना, बस मेरे साथ रिकॉल करो। तो एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें कब मिलता है सर, करंट ईयर में, और एक हमने कहा था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने नाम दिया था जी आपका एसेट्स का, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। अब फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले जो एसेट्स होते हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किए, एक आपका नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स, और एक आपका फिक्टिशियस, जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। नॉन करंट एसेट्स में हमने कहा कि देखो जी यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो कई सारे नाम थे, एक नाम यहां से क्रिएट किया था हमने, क्या जी, फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड को हमने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये एक साल से ज्यादा जो समय में बेनिफिट देते हैं, एक आपका टेंजिबल और एक आपका इनटेंजिबल। और तो बातें हो चुकी है, करंट एसेट जो एक साल में जिसका बेनिफिट मिल जाएगा, यही बातें किया ना सर। हाँ सर हाँ। तो मैं ना अब थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे, और इसको मैं मिटाकर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे। ये लीजिए पर बच्चे, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मैं ना आपको, कितने पॉइंट्स हमारे हो चुके थे, कितने पॉइंट्स हमने, 10 पॉइंट खत्म किए थे, 10 पॉइंट आपको है ना बच्चे। आज जरा 11th पॉइंट में मैं कुछ आपको समझाऊं। 11th पॉइंट में एक वर्ड होता है कैपिटल, एक वर्ड होता है बिजनेस में आपका कैपिटल। सर ये क्या होता है, एक बात बताओ, जरा सुनो मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट किया है COC लिमिटेड, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज लिमिटेड। मान लो ये कंपनी मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरी कंपनी मैंने बनाई है, मैं इसका मालिक हूं। आप मुझे बताओ कि जब ये कंपनी बनी तो क्या नाम लिखने से कंपनी बन जाती है, या कंपनी में पैसे भी लगते हैं, बोलो ना। अरे अगर कोई बिजनेस मैं या आप करते हैं बिजनेस, तो बिजनेस में पैसे नहीं चाहिए क्या, ऐसी कंपनी स्टार्ट हो जाए कि हाँ जी नाम रख दिया, कंपनी चलना शुरू हो गई, प्रॉफिट कमा रहे, खूब सारा पैसा आ रहा जा रहा, सब ऐसे थोड़ी होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट वी नीड सम अमाउंट,
है ना बच्चे? सर हाँ। तो जरा बताओ उस बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा, कौन लगाएगा जरा बताओ, पहले कौन लगाएगा? सर ओनर को लगाना पड़ेगा। ओनर मतलब क्या? मालिक। मुझे लगाना पड़ेगा, लगाना होगा ना बच्चे? सर हाँ सर हाँ। तो कोई पूछना कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, आप उसको समझाना। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब कि जो अमाउंट बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया है, ओनर ने मतलब मालिक ने। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया, ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। तो मेरे बच्चे सीओसी के अंदर में, सीओसी के अंदर में अगर मान लो कि मैंने मतलब आपके सर ने अगर 50 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमने 50 लाख रुपीज लगाए हैं, तो इस 50 लाख को हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। ये क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। इसका एक बहुत इनडेप्थ मीनिंग होता है, मैं आऊंगा, आप चिंता ना करो, हमारे 7 से 8 क्लास में वो खत्म होगा। लेकिन अभी के टाइम पे कोई पूछे कि कैपिटल क्या होता है, तो सिंपली कह देना कि जिस अमाउंट को ओनर ने बिजनेस में लगाया है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। दैट्स इट। लिखिए मेरे साथ यहां पे कैपिटल क्या होता है। तो कहना कि द अमाउंट, लिखेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर इनटू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा ओनर ने लगाया है इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कैपिटल, इज कैपिटल, है ना। अभी अभी हम छोटे बच्चे, बच्चे हम छोटे बच्चे, मैं आपको 7 से 8 क्लास में बड़ा बच्चा बनाऊंगा। लेकिन लिख दो यहां पे ये मीनिंग कब तक जी लिखना, तब तक, तब तक जब तक, जब तक हम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे लिखो यहां पे, प्यारे प्यारे सर हम भी लिखे, लिखेगा बदमाश, लिखना फटाफट, प्यारे प्यारे बस लिखो, लिखो 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 जो मैंने लिखाया, लिखना आपको, अरे लिखो ना, अभी हम छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, अभी आपके हाथ पैर खिल रहे बच्चे, थोड़े थोड़े खिल रहे, इतना छोटा, इतना छोटा, आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत है कि मैं क्या बताऊं, देख के मुझे हैरानी हो रही है। इन छोटे बच्चों को मुझे अकाउंट्स में मास्टरी कराना है, मैं कराऊंगा, आप चिंता ना करो, बस मेरा साथ दो आप, मैं आपको 7 से 8 क्लास में इतना आगे बढ़ा दूंगा कि दुनिया का कोई भी अकाउंट्स हो, कितना भी टफ हो, आपसे बच के नहीं निकल सकता वो। तो जब तक हम छोटे, हम क्या बोलेंगे जी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, बिजनेस में जितना पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया हम उसे कैपिटल कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछता हूं, जरा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये देखो एक नाम सुना आपने टाटा का? सर हां हमने नाम सुना है टाटा का। एक बात बताओ, मान लो, मान लो, अभी बहुत सारी बातें छोड़ो दिमाग से, मान लो टाटा का जो मालिक है ना, मेन मालिक वो है रतन टाटा। ऐसे तो बहुत लोग मालिक हैं, पर छोड़ो मैं मेन मालिक पे आता, मैं ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करना चाहता। इस टाटा कंपनी में पैसे जो चाहिए बिजनेस करने के लिए, पैसे चाहिए ना, इतना सारा काम चल रहा वर्ल्ड लेवल में, पैसे कहां से आएंगे, देना पड़ेगा। तो टाटा ने मान लो इस कंपनी में 20 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है, 20 लाख। अब तो टाटा, रतन टाटा ने जो पैसा इसमें लगाया हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल कहेंगे। ये कैपिटल है, ओनर का इन्वेस्टमेंट, ओनर जो पैसा लगाया उसको हम कैपिटल का नाम देंगे, ठीक है। मुझे बताओ टाटा कंपनी जो है इसको 20 लाख रुपए से काम नहीं चलने वाला, इतने इतने से काम नहीं चलेगा, इनको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, इनको और पैसे चाहिए। अब कहां से आएंगे पैसे, बोलो बोलो? अरे टाटा कंपनी को और पैसे चाहिए, ओनर मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगा दिया बट काम नहीं चलने वाला, और पैसे चाहिए, कहां से पैसे आएंगे, कहां से पैसे आएंगे जरा बताओ ना। सर सर कंपनी लोन ले ले, बैंक से जाके लोन ले ले, अरे बैंक से जाके लोन ले ले, किसी किसी दोस्त से पैसा मांग ले, कोई दोस्त लगा दे, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक बोला आपने। अरे कंपनी के पास अगर मान लो जो पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, अगर इसके बाद भी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट मान लो था 50 लाख रुपए का, ओनर ने सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए, तो 30 लाख रुपए लोन ले लो। सर बैंक वाला लोन दे देगा, वो बात की बात है, देगा नहीं देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, वो देखेंगे बाद में, लेकिन लोन अभी ले लो ना। सर ले लिया फिर क्या होगा, ये जो लोन आपने लिया ना बच्चे, लोन हम इसको अकाउंट्स में लायबिलिटी कहते हैं। मेरी बात सुना मैंने क्या बताया?
सर सर फिर से बोलो, मैंने कहा कि अगर टाटा कंपनी में ओनर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो हम क्या बोलेंगे, आपका कैपिटल। मान लो इनको 30 लाख का और रिक्वायरमेंट है और इन्होंने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया मेरे बच्चे, तो हम इसे लायबिलिटी कहेंगे। आप जानते हो तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्ज लेना। तो कर्ज यहां पर लायबिलिटी बन गया। लायबिलिटी कर्ज लेना, आपके पापा पर नहीं लेते क्या? अरे नहीं लेते क्या? अरे जरा बताओ, जरा सुनो, अगर आपके पापा ने एक घर लेना है और उस घर को लेने के लिए मान लो 20 लाख रुपए चाहिए, तो घर को लेने के लिए जो 20 लाख, पापा ने 5 लाख रुपए लगाया, अपना पैसा लगाया, बाकी 15 लाख रुपए कहां से लेकर आएंगे? लोन ले लेंगे। लेंगे लोन ना बच्चे? सर हां, वो लोन आपके पापा की लायबिलिटी है, लोन आपके पापा की लायबिलिटी है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में ओनर से जो पैसा मिला वो कैपिटल है। अगर ओनर को छोड़ के बाकी कहीं से भी पैसा लो, कहीं से भी, वो लायबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि लायबिलिटी क्या होता है, तो लिखो यहां पे 12th में आपका यहां पे लायबिलिटी क्या होता है, तो लिखेंगे यहां पे द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन्स कर दो, अदर देन ओनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस में ओनर को छोड़ के जो भी पैसा लगाएगा हम उसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी कहेंगे, फुल स्टॉप। आगे लिखना, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो आउटसाइडर्स होते हैं ना बच्चे, आउटसाइडर्स किसको बोल रहे जी, ओनर को छोड़ के। ओनर को तो हम कैपिटल के नाम से पुकारेंगे, ओनर छोड़ के जितने नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी आपका। तो जो भी अमाउंट पर्सन ने इन्वेस्ट किया, कौन सा पर्सन अदर देन ओनर, ओनर छोड़ के कोई भी, इनटू द बिजनेस, उसको क्या बोलेंगे हम, लायबिलिटी। कहता है कि मैंने लिखा नहीं क्या, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन अदर देन ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड, लिखिए यहां पे, माफ कीजिए छूट गया, इज कॉल्ड लायबिलिटी। हम इसे लायबिलिटी कहते हैं, कर्ज है मेरे बच्चे। और कहता है इट इज द क्लेम, क्लेम मतलब क्या, डिमांड, क्लेम मतलब जिन्होंने दिया बच्चे, आउटसाइडर का इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो आउटसाइडर का क्लेम होगा कि भैया हमने इतना पैसा दिया है, आउटसाइडर, ओनर छोड़ के, ओनर देगा तो उसको कैपिटल कहेंगे, ओनर छोड़ के जितने भी लोग देंगे सबको हम क्या बोलेंगे आपका यहां पे, लायबिलिटी। ये क्लेम है आउटसाइडर्स का इनटू द बिजनेस आपका। कहते हैं कि ये लिखेंगे आपका लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट। ये ड्यू डेट पे आपको पे करना पड़ेगा, ओनर का पैसा नहीं पे करना, वो तो मालिक है, उसका पैसा क्या पे करना, लेकिन जो लायबिलिटी वाले हैं उनका पैसा वापस करना पड़ेगा बच्चे, ये पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर मुझसे आप पूछो, एग्जाम्पल पूछो तो मैं आपको बताऊं, जैसे बैंक लोन, लिखो ना, हमने कोई बैंक से लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी कही जाएगी। अरे वो क्रेडिटर, हमने क्या बोला था, सुनो, वो जो गुड्स नहीं परचेज किया था हमने क्रेडिट पे, गुड्स जो परचेज किया था क्रेडिट पे सप्लायर से, तो क्या बोला था, क्रेडिटर, वो भी तो लायबिलिटी है, वो भी तो कर्ज है, वो भी तो पे करना है। नहीं पे करना क्या, सर पे करना, लायबिलिटी हो गया। अरे कोई भी अमाउंट अगर आपका पेबल है, पे करना है, तो हम लायबिलिटी कहेंगे। तो हमने क्या बोला यहां पे, लायबिलिटी में एक आपका हो गया बैंक लोन, एक हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर से भी एक नाम क्रिएट हुआ था, बिल्स पेबल का था ना बच्चे। सर हां, कुछ भी कह दे बच्चे, एक होता है आपका और लिख दो नाम यहां पे, मोर्टगेज लोन। सर ये मोर्टगेज लोन क्या होता है, ध्यान सुनना, लायबिलिटी है। मोर्टगेज का मतलब सिंपली होता है कि आपने जो कर्ज लिया है उसके बदले में कुछ मोर्टगेज मतलब गिरवी दिया है, नहीं होता। आप जब कभी कर्ज लेने जाओ तो सिक्योरिटी देना होता ना बच्चे, कि भैया आपका पेमेंट ना कर पाऊं तो मेरा ये सामान लेके चला जाना, सिक्योर्ड लोन। अरे होता है ना बच्चे, सर हां, उसी को बोलते हैं मोर्टगेज लोन। तो कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, बस लोन है, लायबिलिटी है। बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, मोर्टगेज लोन हो गया, और लिख दो यहां पे एक्सेट्रा। बातें और उठेंगी,
दूर दूर तक जाएंगी, मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप चिंता ना करना। फिलहाल हमने क्या किया, आपको बताया कि यहाँ पे मोर्टगेज लोन का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। तो आप एक काम करेंगे, आज आज मेरे बच्चे हम लोग को यहीं पर रुकना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, अदरवाइज आपका पता नहीं दिमाग कहां से कहां चला जाएगा। आपको एक काम करना है, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, सिर्फ आप जब नेक्स्ट क्लास में मुझसे मिलेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज इतनी सारी बातें आप करके आना। और हाँ, ये जो चीज लिखा है ना बच्चे, ये बात यहां भी फॉलो होता है, ये जो नोट है यहाँ पे, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, तब तक ठीक है, मैं इसको और आगे लेके चलूंगा, मैं थोड़ा और कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, बहुत मजा आने वाला अकाउंट्स में, बहुत मजा। तो आज हम क्लास यहीं रुकते हैं, आपने क्या करना, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके पूरे रिविजन के साथ, तब तक मेरे बच्चे आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।